All right, for the next award, it's for the best deal on the floor. लास्ट वीक हमने सी एस वीक के अंदर एक एक्टिविटी रखी थी सी सी ओ चॉइस अवार्ड, जिसमें हम परफॉर्मेंस के अलावा से भी देखना चाह रहे थे कि आप लोग किन लोगों के साथ ज्यादा फेवर में हैं और किन के नहीं है, ताकि फिर हम उनको भी आपके साथ जो है वो रिलेशन अच्छा कर सके। तो इसमें हमने कुछ कैटेगरीज रखी थी, टोटल 8 कैटेगरीज थी, हमारे पास सबके विनर्स हैं। हमने खुद से इसको थोड़ा सा डिले किया ताकि हम उन विनर्स को अप्रिशिएट कर सकें, इसी तरह की एक छोटी सी गैदरिंग रखें। तो आज हम अनाउंस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले As usual, I'm feeling so good, and this was kind of unexpected for me, to be very honest. But surprisingly, I got the award finally. So I'm sure कि ये सबके लिए एक अच्छी बात होगी, जानने के लिए कि उनका फेवरेट बंदे ने उसका अवार्ड रिसीव कर लिया, जो कि एक प्योर बेसिस पर था चॉइस अवार्ड्स में। तो सब लोगों ने अपने फेयर था डिसीजन, और सब लोग अपनी की वोटिंग प्रॉपरली, और वोटिंग काउंट के बाद फाइनल आफ्टर अ वीक तो इन लोगों ने उसका अनाउंसमेंट किया, एंड देन नाउ मुझे अवार्ड मिला, तो आई एम इमेंसली वेरी हैप्पी। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा और ये है कि आपने बीइंग अ नॉमिनी, आपने क्या कोई कैंपेन रन की थी टू गेट योर टू गेट एन अटेंशन फ्रॉम पीपल हु आर यू नो गोइंग टू चूज यू और वोट फॉर यू? हाँ, मैं बिल्कुल आपका पॉइंट समझ गया। टू बी वेरी एसेज, कोई कैंपेन वगैरह को कोई सिस्टम नहीं था, एज यू गाइस ऑल नो, एज यू गाइस वर पार्ट ऑफ इट, मतलब बाय द वे, तो यू गाइस शुड नो कि ये कितना फेयर था, और एवरी वॉज लाइक कि वो अपनी मर्जी से वोटिंग डाल रहा था, तो ये बिल्कुल एक क्लियर है। हाँ, जो हमारे वो लोग हैं जो बनना चाह रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेट नहीं बने, तो वो बिल्कुल ये चीज़ कहेंगे अपने आप की ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए कि यार हम इसलिए नहीं बने क्योंकि एवरीथिंग वॉज प्री प्लान एंड समथिंग लाइक दैट, यू नो। तो बिल्कुल ये उनके है, बट अगर हम रियलिटी की बात करें तो ये बिल्कुल एक फेयर डिसीजन था। मैं ये कहूँ कि मैं अपनी एस एन पी की टीम में सबसे जूनियर मेंबर हूँ तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, बट इट्स बीन अराउंड 3 to 6 मंथ। ओके, सो वी आर सो हैप्पी फॉर यू एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच।